बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसका दोस्तों दिखा रहे हो जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय साथी हूं। दोस्तों जम्मू कश्मीर च तुसें देखिया इलेक्शन का माहौल सवेरे का बने रहा, इसलिए मेरे कन्ने मोहन लाल शर्मा और मौजूद ने भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व सरपंच। मोहन लाल जी पहले तो मती मती मुबारखां ने तुसेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है जम्मू च। जी बड़ी बड़िया मुबारखां अजय जी, और मैं ये मुबारखां सारे अपने हिंदुस्तान वासियों सारे मती मती मुबारखां दिना, और खास करिए सानू एक बड़ी खुशी की गल है कि जियां साढ़े इस वेले देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बना दें, ये भी एक साढ़े वास्ते इतिहासिक है क्योंकि सानू 1968 नहरू जी रहे, लेकिन उस तो बाद जो त्री बारी जो प्रधानमंत्री वो साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जी बना करते हैं, और खास करिए उनकी ही देन है जी अज साढ़े जम्मू कश्मीर के भी जोड़ा इन्ना मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मिलिटेंसी का हाँ कुछ सूँ बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता हाँ जो साढ़े जम्मू कश्मीर के, लेकिन मोदी सरकार ने सूँ जम्मू कश्मीर का बड़ी अच्छी एक राहत दी, और इस टाइम के जो जम्मू दीटा जी एक अपनी जम्मू कॉन्स्टिट्यूसी जम्मू कॉन्स्टिट्यूसी और दूसरा कठुआ उधमपुर की जो दो सीटा जी अस भाजपा दी जीतिया ने, और ये साढ़े लोगों का बड़ा बड़ा ज़्यादा जिन्हें संजोग किया और जिन्हें भाजपा ही वोट पाया। लेकिन मैं कुछ ऐसे करना कि लोगों की एक गलबात दसना कि जिस तरह की तुसें पता कि कुछ जी विरोधी पार्टी है बड़ा इस बारी लोगों की भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा गलत लोगों की भड़काया, बड़ा गलत गुमराह किया। मैं अपने लोगों की अपने जिन्हें सारे देशवादी लोगों को समझाना कि इन्हें लोगों के गुमराह के मत आओ, क्योंकि इन्हें गुमराह करने के साढ़े देश के युवा ही नुकसान देने की कोशिश की, साढ़े रोजगार ही देने की नुकसान करने की कोशिश की है। लेकिन तुसें कुछ तो लगता होना कि जियां मैं देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्लोगन बनाए था अब की बार 400 पार, लेकिन 300 का अंकड़ा भी जरा बड़ी मुश्किल कन्नै जो पार नहीं होया, के बोल के देखो। देखो जी हर इंसान जिस वेल्लै कोई भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता वो उम्मीद जी हमेशा बड़ी चढ़ी होती है कि अस इस तरीके का, क्योंकि जिस तरीके का काम भाजपा ने किते दा उसका उपर यह बनता है कि 400 पार जरूर बनता है। लेकिन उगे बिच कुछ ऐसा पार्टियां जी आई जिन्हें सारे आम लोगों की जनता की मतलब गुमराह किया। देखो जो प्रधानमंत्री ने जोड़े काम किए थे वो कोई अदर कोई कास्ट दिखिए नहीं किते दा, चाहे कोई जात पात दिखिए काम नहीं किते दे, उन्हें सारे दिखी सुनिए काम किते दा, और हर बंदे की वो बेनीफिशरी दी थी उस बेनीफिशरी, चाहे वो आयुष्मान का कार्ड हो चाहे PHS के जो राशन कार्ड बने थे, चाहे साढ़े जो भी लाडली बेटी स्कीम है, क्योंकि 158 स्कीम जी प्रधानमंत्री योजना हाँ और जड़िया हर लोगों दी गई हाँ, लेकिन कुछ विरोधी पार्टी साढ़े उन्हें लोगों की गुमराह किया। मैं ये आखना कि अपने लोगों जरूर आना कि अगर साढ़े प्रधानमंत्री जो स्कीम सारे बराबर दीतिया तो उनका का वोट का राइट बनता हाँ, लेकिन जिन्हें लोगों गुमराह बच्चे ही है गलती करने किया, मैं उन्हें ही आखना कि अगली बार इस तरीके कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जो सारे विजयपुर विधानसभा भी अच्छे लीड करना जी सू इतने मिली है, और खास कर सांबा डिस्ट्रिक्ट भी सांबा भी लीड अच्छी मिली, रामगढ़ के भी ठीक मिली है, और खास करिए मेरी पंचायत भी बड़ी अच्छी लीड मिली। मेरे ग्रां ने बड़ा ज़्यादा संजोग किया कि जिदे साढ़ा 728 वोट पोल होया, जिदे 550 वोट साढ़ा BJP गया, और जिदे 87 वोट जो साढ़े वो अदर वोट चली है, लेकिन ग्रां के लोगों ने बड़ा संजोग किया और पंचायत के लोगों भी बड़ा संजोग किया। टोटल वोट साढ़ा 2100 वोट कुछ प्लस पिया है, जिदा 1600 वोट अस जो BJP सूँ पिया है।
ਤੇ ਅਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਂਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਚਰੀਆ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਦੀਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੜਤੇ ਦੇ ਕਿ ਲੀਡ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਰਵਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਂਬਾ 'ਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਗੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵਿਜੇਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਤੀ ਮਤੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਡੁੱਗਰ।